back to my YouTube channel, first of all, just, you know, avoid my background. Secondly, आज के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज का मेन लीड रोल इज गोइंग टू बी चिंटू. सो लाइक एक लाइक चिंटू इज वेरी क्लोज टू मी. सो हर एक यू नो पेट ओनर ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएगा कि एक इंसान, एक ह्यूमन बींग अपने पेट से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है. सो आई अडॉप्टेड चिंटू ऑन 23rd of May 2021. एट दैट टाइम ही वॉज जस्ट 40 days old. आपने जो मैंने वीडियो पहले प्ले करी थी, आपने उसमें देखा होगा कि चिंटू वॉज सो स्मॉल व्हेन आई गॉट हिम. एंड अभी तो वो इतना ज़्यादा शरारती एंड ही इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल. लाइक वो इतना ज़्यादा शरारती है ना कि वो घर से भाग जाता है जब उसे लाइक अगर वो खेल रहा है एंड हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं ना, तो वो दरवाज़ा खोल के और वो भाग जाता है बाहर, तो उसे पकड़ने जाना पड़ता है. सो एंड यू नो everyone in our neighborhood is scared of Chintu. वो चिंटू से डरते हैं. क्यों? क्योंकि चिंटू को ना, चिंटू थोड़ा बहुत ज़्यादा friendly है, वो जाके लोगों को चिपक जाता है. अब उन्हें नहीं पता कि चिंटू friendly है, उनको लग रहा है चिंटू काटने वाला है. सो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. तो सब मुझे यही कहते हैं कि भाई इसको बांध के रखो, इसको दूर रखो मेरे से प्लीज़. हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड चिंटू के रूटीन को, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले और जितने भी गली में लोग हैं और उनको ये लगता है कि भाई ये बहुत शोर मचाता है, उनको भी पता चले कि चिंटू कितना ज़्यादा हमें परेशान करता है और कितना ज़्यादा मतलब हम लोग उसको मतलब गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, और वो कितनी हरकतें करता है सारा दिन घर में. तो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पता चलेगा उसके बारे में. अभी लंच टाइम हो रहा है, बट मम्मी को पता नहीं था कि मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ. सो उन्होंने ऑलरेडी उसे लंच दे दिया. सो अब मैं लंच तो नहीं दिखा सकती कि मैं उसे लंच में क्या देती हूँ, बट मैं उसे 24 आवर्स तक शूट करने वाली हूँ, तो मैं कल का लंच दिखा दूँगी. सो अभी तो वो बाहर बैठा है, अभी मैं उसे शूट नहीं करूँगी, वरना अगर मैं भाग गई तो वो चिल्लाना चालू कर देगा. सो अभी जब वो अंदर सोने आएगा तब से मैं शूटिंग स्टार्ट कर दी. सो चिंटू अपने नैप से उठ गया है एंड अब इससे बाहर जाना है. ओपन, खोलो दरवाजा अच्छे से खोलो. गुड. सो अभी चिंटू को यहाँ पे मैंने इसे बांध दिया है, बांधा भी क्या, अटका दिया है बस. इट्स बिकॉज अगर मैं इसे यहाँ खुला छोड़ती हूँ ना तो ये भाग जाता है यहाँ से, दैट्स वाई. एंड अभी उठा है ना तो इसका पी टाइम हो जाता है, तो दैट्स वाई इसे बाहर लाना पड़ता है. अभी चाय का टाइम हो जाएगा, फिर से अंदर लेके जाएंगे क्योंकि फिर ये स्नैक्स खाता है. तो ये हम लोगों ने ना थोड़ा सा उसके लिए ब्रेड, थोड़ी सी फुलियाँ और अवॉइड चिंटू की आवाज़, एंड थोड़े से ना इसमें ये चिकन स्टिक्स हैं ये डाल दिए हैं. अभी ना उसका पेडिग्री है नहीं, तो ये स्टिक्स, वरना अभी उसे शाम को ज़्यादा दे नहीं सकते क्योंकि फिर वो डिनर नहीं करेगा ना अच्छे से, दैट्स व्हाई. सो अब डिनर का टाइम हो गया है, जिसमें रोटी है एंड मिक्सचर है चावल का, दही का और मिल्क का. इसे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और हम इसे सुबह शाम कभी भी तो ये खा लेता है. एंड देन ये इसके लिए जो है थोड़ी सी दवाई है, जिसकी वजह से ये स्टोन्स नहीं खाता. ये कैल्शियम की मेडिसिन है. स्टोन्स एंड बाहर का जितना भी गंद होता है ये फिर अवॉइड करता है उसको, एंड उससे इसको जो इतने भी इन्फेक्शन होते हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टोन्स की तरफ अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा एंड इसकी हेल्थ सही हो जाएगी फिर.
अब चिंटू इज डन विद द पूप वॉक एंड अब वो यहाँ पे बैठता है 1-2 घंटे के लिए एंड ही एंजॉयज वॉचिंग क्रोज एंड आसपास के लोगों को। ब्रेकफास्ट है रोटी और दूध, इसे यही पसंद है। हाय गाइस, सो मैं सोच रही थी कि अभी चिंटू को नहला दूँ क्योंकि वो काफ़ी टाइम से नहीं नहाया क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी एंड अभी सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी तो हमने उसे नहीं नहलाया। सो आजकल थोड़ी धूप अच्छी निकल रही है तो मैंने सोचा कि आज उसे नहला देती हूँ एंड उसे नहलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज तो मम्मी भी नहीं नहला रही, मतलब उसे दो लोग चाहिए नहलाने के लिए, अगर आज मम्मी नहीं नहला रही मुझे अकेले नहलाना है तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए उसे नहलाना। वो नहाना है, मैं पूरी भीग जाती हूँ उसे नहलाने के चक्कर में। सो आप लोग देखो कि मैं उसे कैसे नहलाती हूँ, उसका मुँह ना मुँह बांधना पड़ता है वरना वो काटता है बहुत ज़्यादा। मुझे ना थोड़ा ये भी डाउट है, एक्चुअली वो ना बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस है तो मुझे लग रहा है वो कैमरा देख के ना एकदम ऐसे सीधा ना हो जाए कि उफ मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। वो ऐसा करता है कैमरा देख के ना, ऐसे ऐसे हो जाता है, कैमरे तो देखता नहीं ऐसा हो जाता है। सो लेट्स सी। चिंटू इसके ऊपर सुखा लो बेटा, इसके ऊपर सुखाओ, सूख जाएगा। सुखाओ सुखाओ, वाइप करो वाइप, गुड बॉय। सो आपने देख ही लिया होगा कि हमने चिंटू कैसे नहलाया, आप लोगों को लग रहा होगा हरे राम कितना जुल्म करते हैं इस पे। वो पूरा मेरे ऊपर था, उसका मैं वीडियो बना नहीं पाई, वो पूरा मेरे ऊपर था। उसे ना पहले कुछ कुछ होता है देन वो शांत हो जाता है, उसके बाद जब मैंने वीडियो बंद करी ना ही वॉज स्टैंडिंग स्टिल, उसके बाद वो हिला भी नहीं, वो ऐसे खड़ा हुआ था और नहा रहा था, पता नहीं तो बीच में कुछ हो जाता। एंड मैं आपको बोल रही थी मैं पूरी भीग जाती हूँ, तो फॉर्चुनेटली आज मैं ऊपर सूखी हूँ लेकिन मेरा पूरा का पूरा पजामा जो है वो पूरा गीला हो रखा है बिकॉज ऑफ क्योंकि वो मेरे ऊपर चढ़ रखा था, बैठ रखा था वो। सो ऐसे इसको नहलाना पड़ता, आज भी मैं अकेले नहीं नहला पाई, बीच में मम्मी आ गई क्योंकि मम्मी के बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं नहला सकती उसको। सो ये है चिंटू का लंच, ये है चावल दही और दूध एंड हम इसमें देंगे कैल्शियम डालेंगे जो मैंने आपको रात को भी दिखाया था, इससे ना ये पत्थर वत्थर नहीं खाता, बाहर का जितना भी कूड़ा होता है ना ये फिर वो अवॉइड करता है। चिंटू बाय बाय बाय, चिंटू बाय बाय। अभी जो आपने देखा चिंटू का चिल्लाना, उसके पीछे एक स्टोरी है कि लाइक एक बार हम एक वेडिंग अटेंड करने गए थे एंड वहाँ पे हम चिंटू को नहीं ले जा सकते थे, दैट्स वाई हम उसे क्रेच में छोड़ गए एंड जब से थोड़ा बौखला गया है कि ये लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे एंड दैट्स वाई कोई भी बाहर जाते तो उसकी सारी नज़र दोनों दरवाज़ों पे रहती है कि कोई बाहर ना चला जाए मेरे बिना, एंड अगर उसके सामने कोई चला गया गलती से तो वो चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को सर पे उठा लेता है। एंड जब तक वो इंसान वापस नहीं आता वो चिल्लाता रहता है। मतलब लोगों को लगता होगा कि भाई हम कितना से ट्रॉमाटाइज करते हैं, कितना इस पर चिल्लाते हैं, कितना मतलब क्या मारता है क्या करता है, बट ये खुद ही ऐसा करता है। दैट्स वाई अभी मम्मी जब बोल रही थी तभी ये ऐसे ही चिल्लाई जा रहा था। सो रिकॉर्डिंग चिंटू फॉर 24 आवर्स वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी क्योंकि उसकी छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड करना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट स्टिल आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सब कुछ कैप्चर कर पाऊँ, बट फिर भी सब कुछ नहीं कर पाई हूँ, बट मैं किसी और वीडियो में दिखा दूँगी फॉर श्योर। सो इफ़ यू गाइज आर अ पेट ओनर और लाइक इफ़ यू कैन रिलेट टू दिस वीडियो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। एंड इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल।